हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और स्वातिज किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि है मेरे किचन काउंटर क्लीनिंग के ऊपर। मेरा किचन काउंटर और उसके साथ साथ गैस स्टोव और ऊपर की जो टाइल्स है वो उसे मैं कैसे क्लीन करती हूँ, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा किचन काउंटर जो है वो बहुत ही छोटा है, वन ही स्लैब है, यहाँ पे एल शेप में नहीं है। ये जो किचन है एक नॉन मॉड्यूलर किचन है, मेरे किचन टूर के वीडियो में आपने देखा ही होगा। अगर वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो किस तरह से मैंने अपने किचन को डेकोरेट किया है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है वो आप समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ क्लीनिंग के ऊपर बताने वाली हूँ। और क्लीनिंग जो है वो मैं एक ही साथ कर लेती हूँ, किचन काउंटर की, गैस स्टोव की और ऊपर की जो टाइल्स है उसकी भी, और साथ ही साथ जो सिंक है उसी की भी मैं क्लीनिंग एक ही साथ कर लेती हूँ। और ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है मैं हफ्ते में 2 बार या फिर 3 बार कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा किचन काउंटर अभी कितना गंदा हो गया है कुकिंग करने के बाद में। अभी अभी मेरा कुकिंग ख़त्म हो गया है और गैस स्टोव है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ख़राब हो गया है। और जो बर्तन है वो भी अभी मैंने साफ़ करके रखे हैं। बर्तन होने के बाद ही मैं ये सब सारा क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम जो सामान है किचन काउंटर के ऊपर वो हटा देंगे। थोड़ा ही सामान मैं रखती हूँ, ज़्यादा सामान नहीं रखती यहाँ पे, जो ज़रूरत है कुकिंग के लिए उतना ही रखती हूँ। गैस स्टोव के जो भी अटैचमेंट्स है वो भी निकाल देंगे। और जो गैस का मेन कनेक्शन है उसे आपको बंद करना है कभी भी जब आप डीप क्लीनिंग करते हो। यहाँ पे जो गैस बर्नर है उसे कैसे क्लीन करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, मेरे किचन टिप्स के वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। तो वो वाला वीडियो आप चेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको गैस बर्नर के बारे में, क्लीनिंग के बारे में नहीं बताऊंगी। और यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा, के बाद इसमें मैंने ऐड किया है विनेगर, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डिश वॉश लिक्विड, और पानी मिला के हम इन सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक स्क्रबर लिया है जिससे कि मैं सेपरेटली इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा पानी डाल के लेती हूँ गैस स्टोव के ऊपर या फिर ऊपर का जो पार्ट है विंडो के साइड का उसके ऊपर। अलवेज मैं टॉप टू बॉटम ऐसा क्लीनिंग करती हूँ, ऊपर की टाइल्स में पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद गैस स्टोव एंड उसके बाद जो नीचे का स्लैब है किचन काउंटर है उसे क्लीन करूँगी। तो टाइल्स होने के कारण क्लीनिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैं सारे टाइल्स को अच्छे से, ये जो मैंने DIY बनाया है उसे क्लीन कर लेती हूँ। उसी के साथ साथ गैस स्टोव को भी मैं इसी से क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो क्लीनिंग है वो मैं सिर्फ स्टील के गैस स्टोव के लिए बता रही हूँ। और उसके बाद नीचे का जो किचन काउंटर है उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ, और साथ ही साथ जो सिंक का एरिया है, ऊपर की जो टाइल्स है उसी को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो उसके बाद अच्छे से मैं पानी से सारी चीज़ों को वॉश कर लेती हूँ, ऊपर के टाइल्स, मेरा गैस स्टोव, अच्छे से पानी से मैं उसको वॉश कर लेती हूँ। और आपको यहाँ पे धीरे से करना है, मैं आपको फॉरवर्ड करके फास्ट मोशन में दिखा रही हूँ एक्चुअली, बट यहाँ पे थोड़ा सा धीरे से करना है आपको। और एक वाइपर की हेल्प से सारा पानी जो है वो मैं सिंक के एरिया की तरफ डाल देती हूँ। और सबसे लास्ट में जो भी गैस स्टोव के अटैचमेंट्स है उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसी DIY से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। और सो लास्टली मेरा जो सिंक का एरिया है उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सिंक का एरिया जो है वो मेरा जो है वो हमेशा क्लीन होता रहता है, चाहे वो यूटेंसिल्स क्लीनिंग हो या फिर किचन काउंटर की क्लीनिंग हो।
हर बार लास्टली मैं सिंक को क्लीन कर लेती हूँ, तभी अच्छा लगता है। और सिंक को क्लीन करते टाइम पे जो कोने हैं उसके, उसे भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका डिश वॉश या फिर जो भी है वो अटक कर रह जाता है और बैक्टीरिया या फिर मच्छर आने के चांसेस रहते हैं। तो अच्छे से उसे क्लीन करना है। वाइप करने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा पानी रह ही जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो इस पानी के दाग जो है वो लग जाते हैं किचन काउंटर के ऊपर, और सूखने के बाद वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वाइट वाइट दिखने लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक नैपकिन लेती हूँ, नैपकिन की हेल्प से मैं सब कुछ इस तरह से पोंछ लेती हूँ ताकि बिल्कुल भी पानी रहे ना गैस स्टोव के ऊपर या फिर किचन काउंटर के ऊपर। सो अब अच्छे से क्लीनिंग हो गया है, मैंने सारा सामान जो है किचन काउंटर के ऊपर का वो भी अरेंज कर दिया है। तो इस तरह से लास्टली मेरा किचन काउंटर जो है वो दिखता है। सो जब आपका किचन काउंटर छोटा होता है तो क्लीनिंग करने में भी आसानी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और इस सारी प्रोसेस को करने में मुझे मैक्सिमम 20 मिनट्स लगते हैं। तो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना।